आजमगढ़ में शिवपाल की एंट्री से सांसद निरहुआ हुए परेशान। शिवपाल यादव के सामने निरहुआ ने कर दिया सरेंडर। बीजेपी को लगा झटका, निरहुआ ने कहा नहीं लड़ूंगा चुनाव। आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अक्सर अपने बयानों और बड़बोलेपन को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। इस पर वर्तमान बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। सांसद निरहुआ के इस बयान से सभी लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का कहना है कि वह छोटे मोटे नेता से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम छोड़कर आजमगढ़ की जनता की सेवा में लगा हूं, तो छोटे मोटे नेता से लड़ने की कोई बात नहीं है। निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जनता ने मौका दिया था और 3 साल सांसद रहे, वह कुछ नहीं कर पाए तो शिवपाल यादव क्या कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने 1 साल से कार्यकाल में जो करके दिखाया है, शिवपाल यादव भी जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाए तो वह क्या कर पाएंगे। वैसे निरहुआ के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।